दोस्तों, मैं अरविंद। आज की इस वीडियो में आपको न्यू डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो जाता है या फिर वो कहीं गुम हो जाता है, तो कैसे आप अपने ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ अपने ई पिक नंबर से। कैसे डाउनलोड करना वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यू डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद वहां पर सर्च करना है voters.eci.gov.in। ये सर्च कर लेना। ये सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा। पेज डिस्प्ले होने के बाद हमें यहाँ पर कई सारी सर्विस देखने को मिलेगी। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NRI ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी करेक्शन करना है हमारे वोटर आईडी कार्ड में, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस ट्रैक करना है तो यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर। तो दोस्तों, हमें अपने न्यू वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई पिक डाउनलोड का, तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इस साइट पर लॉगिन करना रहता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना, कैप्चा एंटर करना, फिर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना। अगर दोस्तों आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो आप यहां पर साइन अप पर क्लिक करके अपना न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अकाउंट पहले से क्रिएट है तो हम यहां पर अपने डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद हम उसी पेज पर फिर वापस आ जाएंगे। फिर से हमें यहां पर ई पिक डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, यानी कि ई पिक डाउनलोड पर क्लिक कर देना। ई पिक डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद पेज कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद हमें यहाँ पर अपने ई पिक नंबर को एंटर कर देना। अगर आपके पास ई पिक नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर पर टिक करना और यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंटर करना, और आपको यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद हमारी डिटेल दिखाई जाएंगी नीचे की तरफ। हमारा नाम, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और हमें यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारे वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को हमें एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, OTP वेरीफाई डन सक्सेसफुल। तो हमें यहाँ पर डाउनलोड EPIC पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड EPIC पर क्लिक करने के बाद हमारा फाइल में यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हमारा ये डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है न्यू लुक में। ये अभी अभी अपडेट हुआ है। पहले और तरह का हमारा वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होता था और यही हमारा वोटर आईडी कार्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए, जब हमारा हम नया वोटर आईडी कार्ड बनवा तो पोस्ट ऑफिस के जरिए यही वोटर आईडी कार्ड हमारे पास आता है। यहाँ पर हमारा एड्रेस, आधार कार्ड नंबर क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर, सीरियल नंबर और हमारा वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी कि EPIC नंबर इस पर लिखा रहता है। और यहाँ पर एक QR कोड है, एड्रेस वगैरह, हमारा नाम, पिताजी का नाम, फोटो, सब कुछ है। जैसे हमारा PVC वोटर आईडी कार्ड आता है वैसे कुछ यह देखने में PVC वोटर आईडी कार्ड की तरह, वो PVC आधार कार्ड की तरह। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को सिर्फ EPIC नंबर से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।